हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, रात काफ़ी हो चुका है यहाँ पे। अगर हम दिखाएं तो 11 बज रहे हैं यहाँ पे, और 11 बज के हम आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जस्ट मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, और इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आवे, चाहे छोटा अपडेट आवे चाहे बड़ा अपडेट आवे, ए टू जेड अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे। साथ में इनका PDF जो है हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी हम आप लोग के लिए फ्री ऑफ कोर्स प्रैक्टिस सेट वगैरह हो चाहे क्लास हो, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप संयम रहिए, एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं आगे की ओर कैसे यहाँ पे। तो गैस, इसका जो नोटिफिकेशन मेरे पास थोड़ा टाइम पहले ही आया था, तो इनका जो PDF है हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप मेरे साथ बने रहे। इनसे रिलेटेड कोई छोटा अपडेट हो बड़ा अपडेट हो, एक एक अपडेट हम देते रहेंगे। हाल ही का ये जो वैकेंसी आई, टोटल 4 डिपार्टमेंट देखने को मिलती है, असिस्टेंट ऑपरेटर का, स्विच बोर्ड ऑपरेटर का, जूनियर लाइन मैन का और टेक्नीशियन का। हाल ही का RTI से रिलेटेड और भी वैकेंसी आने वाली है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्या इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी आपका आरक्षण वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टोटल काफी सारा लगभग 1600 से भी ज्यादा अगर वैकेंसी का और जुड़े यहाँ पे, तो लगभग 1600 से भी ज्यादा ये वैकेंसी आपको दिख जाए। लगभग वैकेंसी कर बात करके 1000 से भी ज्यादा आपको ये वैकेंसी दिख जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाल ही का ऑलमोस्ट 4 डिपार्टमेंट में है। क्वालिफिकेशन बात करें तो 10th होना चाहिए, और 10th के बाद आपके पास ITI होना चाहिए, देन आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये 4 पोस्ट के लिए। इनके अलावा अगर हम बात करें गैस एप्लीकेशन फी या सैलरी, यहाँ पे देखें यहाँ पे लगभग सैलरी के बाद गैस लेवल 4 के तहत आपको सैलरी दिया जाएगा। हाल ही का ITI की है तो लगभग आप 25 से 30 हज़ार के बीच अप्रोक्स आपका ये सैलरी हो जाएगा यहाँ पे। तो सैलरी के लिए आप टेंशन मत ले, टेंशन ले कि जॉब सिलेक्शन किस तरह यहाँ पे लेना है यहाँ पे ना। इनके अलावा एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज गैस आपका 18 साल, मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। बाकी आपका एज रिलैक्सेशन फीमेल वगैरह है तो वो एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा, डोंट वरी। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 24 ही लिखा है, 2400 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 1000। एप्लीकेशन फी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे लिख दिया। इनके अलावा क्या लिखा है, UR हो, अच्छा ये UR के लिए लिखा है। इनके अलावा BC हो, EBC कैंडिडेट या ST SC के लिए अगर आपका डोमिसाइल है तो आपको कितना रुपया लगेगा, 250 लगेगा, मतलब 250 रुपया लगेगा। तो एप्लीकेशन फी, हालांकि ये नोटिफिकेशन अभी आए तो मेरे ख्याल से कुछ अपडेट जरूर होगा, ये नोटिफिकेशन में मेंशन सही नहीं किया गया। 2400 कुछ ज़्यादा नहीं है, 2400 रुपया देंगे यहाँ पे गाइस। जो मन में आता है ये लिखा है तो मिस्टेक से लिखा गया ये नोटिफिकेशन में, तो थोड़ा सा संयम रखेंगे, फिर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाता है, इंसान है, इंसान से मिस्टेक हो जाते हैं यहाँ पे ना। आगे और यहाँ पे और हम क्या क्या देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखें, सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है गाइस 8th, 10th, 12th के जो क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पे किया जाएगा, मतलब मार्क्स दिया जाएगा, मेरिट तैयार किया जाएगा, एक्सपीरियंस बेसिस पे तैयार किया जाएगा। यहाँ पे टोटल 100 पॉइंट होगा यहाँ पे, तो उस बेसिस पे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आगे देखते हैं तो आगे सिलेबस के बारे में भी डिस्कस है, तो हाल ही का मेरे ख्याल से इसमें कुछ अपडेटेड होगा क्योंकि बहुत कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। और ये जस्ट मुझे अभी सोनू जी ने भेजे यहाँ पे, मेरी टीम की ओर से आए यहाँ पे, तो अभी हम इनको एक बार और कंफर्म करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। हाल ही का यहाँ पे सिलेबस वगैरह के बारे में दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मगर यहाँ पे आगे जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में, एप्लीकेशन डेट के बारे में ये भी मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये दे रखा है। तो थोड़ा सा हम इनको वेरीफाई कर लेंगे, फिर देन या गैस यहाँ पे हम लोग इनके बारे में अच्छा से जिक्र कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ये है गैस, रात भी काफ़ी हो चुका है, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी एक छोटा अपडेट हो बड़ा अपडेट हो सारा दे देंगे। थैंक यू।